ओके गाइस, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारे लिए चाहिए होगा ये कॉपर प्लेट है मेरे पास कॉपर की, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये एक्सपायर सेल है और ये कुछ वायर है मेरे पास। मैं इस डीसी मोटर को चलाने वाला हूँ। चलिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या है, ये जो सेल है इनके रैप को हटा लेंगे, साइड में कर देते हैं। तो फटाफट से मैं इसके रैप को हटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ये जो जिंक की सीट लगी हुई है इसके चारों ओर, इसको निकालेंगे और इसके मटेरियल को हटा देंगे। आप इसको हम काट लेते हैं। ओके गाइस, तो मैंने ये सेलों के खोल को निकाल लिया है। आप देख सकते हो ये सेल की जो खोल है, मतलब ये जिंक की सीट है, इनको मैंने निकाल लिया है। अब ये कॉपर की जो प्लेट है उसको भी मैंने ये काट लिया है। तो हमें अभी इन तीन की जरूरत पड़ने वाली है, इसको साइड में रख देते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इनमें छेद कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने ये छेद कर लिए हैं इसमें। ओके, अब मैं इसमें कुछ वायरिंग करता हूं। एक वायर कॉपर की प्लेट में कनेक्ट कर दूंगा। गाइस, तो मैं ये एक पॉजिटिव ले रहा हूँ और एक नेगेटिव ले रहा हूँ और इनके बीच में मैं ये एक लकड़ी का टुकड़ा यूज कर रहा हूँ ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। गाइज अब इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर पा रहा है या नहीं। मेरे पास ये कुछ ग्लास है, अब मैं इसमें थोड़ा वाटर डाल देता हूँ। ये एक चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया। ओके, मैं इसको डाल देता हूं अंदर और इसको चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। गाइस ये वर्क कर पा रहा है, आप देख सकते हो। तो अब हम इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं, फिर देखेंगे कि कितना ये
पेरेंट बनाता है। अभी मैं इसको इसको इसमें ही रहने देता हूँ। तो गाइस ये बहुत सिंपल सी वायरिंग है, आप देख सकते हो। ये जितनी भी कॉपर की प्लेट है ये पॉजिटिव है और ये जिंक की जो सीट है वो नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो ये मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है। अब ये फिर नेगेटिव है और नेगेटिव की सीट को मैंने ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और ये फिर नेगेटिव है, इसको इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और ये है मेरे पास फिर इधर नेगेटिव और इधर है मेरे पास पॉजिटिव। ओके, अब हम इन तीनों गिलासों में पानी डालेंगे और नमक डालेंगे। ओके गाइज, अब हम इनको इनके अंदर डाल देते हैं। ये अच्छे से इसके अंदर डूब गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये कितने वोल्टेज बना पा रहा है। ये 2.3 वोल्टेज बना रहा है, आप देख सकते हो। चलिए अब मैं इस डीसी मोटर को चला के बताता हूं। गाइस तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस प्रोजेक्ट को अपने स्कूल या कॉलेज में भी आप बना के बता सकते हो, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। देखो गाइस, तो मैंने ये एक ग्लास और है इसमें एक प्लेट और कनेक्ट कर दी है, आप देख सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई भी झोल झपाट नहीं है, आप देख सकते हो। ये कॉपर की प्लेट है मेरे पास। ये अभी कितना वोल्ट निकाल रही है, गाइस ये 3.15 वोल्टेज अभी निकाल पा रहा है। देखिए गाइस, अब मैं इसको चेक कर रहा हूं, तो देखिए ये वर्क कर पा रही है, अभी ये मोटर घूम पा रही है। देखो गाइस, ये मेरे पास एक छोटा एलईडी बल्ब है, हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये ग्लो हो पाता है या नहीं। पॉजिटिव से ठीक, ओके, और ये अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं इससे। तो गाइस देखिए ये बल्ब ग्लो हो पा रहा है, आप देख सकते हो अच्छे से ग्लो कर रहा है। ये देखो बहुत अच्छे से ये ग्लो कर पा रहा है ये बल्ब।
गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपका कमेंट या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं बोलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।